गुड मॉर्निंग फ्रेंड मैं मोनालिसा उड़ीसा से आई आप सभी को मेरे गार्डन में स्वागत है और अभी विंटर का तैयारी चल रहा है पिछले साल तो इस टाइम तक बहुत सारे विंटर का पौध लग चुका था लेकिन अभी थोड़ा छत पे काम बाकी था उसी काम के चलते थोड़ा पौध वगैरह नहीं लगाए थे और मिट्टी भी पलटाने में काफ़ी टाइम लग गया तो ये जो मेरा पिछला वाला फूल गोभी है जो फास्ट लगाई थी मैं सेप्टेम्बर uh, में लगा था ये और अभी एक हार्वेस्टिंग करके खा चुके हैं और ये अभी इस बार लगाया है विंटर का और ये साग थोड़ा सा निकला हुआ है इसलिए मैं छोड़ दिया हूँ ये हार्वेस्टिंग करने के बाद आज ही हार्वेस्टिंग कर लूँगी और इसको थोड़ा सा और किचन कंपोस्ट डाल के गोड़ाई करना पड़ेगा और थोड़ा सा मिट्टी डालना पड़ेगा तभी ये फूलगोभी का पौध फिर रेडी हो जाएगा और यहाँ पर भी एक है हार्वेस्टिंग के लिए ये रेडी है अभी इसको हार्वेस्टिंग कर लेते हैं आज काफ़ी बढ़िया फूलगोभी बना है और काफ़ी बड़ा साइज़ का भी है देखिए और प्योर ऑर्गेनिक है इसमें कोई केमिकल वगैरह कोई स्प्रे नहीं कोई मार्केट का खाद वग़ैरह कुछ नहीं है और इसका टेस्ट आ, मैं क्या बताऊं मार्केट से ऐसा टेस्टी फूलगोभी तो मिलना नामुमकिन है और इधर देखिए मिट्टी बहुत सारे कंटेनर ये जितना भी था इस लाइन में ये सब खाली करके इसमें जो ड्राई वाला किचन वेस्ट है पत्ता वगैरह और आ, जो घास घूस वो सुखा के इसके अंदर ऐसे डाल के रखे हैं ये देखिए किचन जो वेस्ट निकलता है इसको हम फेंकते नहीं इसको ऐसे ही सूखा के नीचे कंटेनर में भर देते हैं और ये मिट्टी अभी दो दिन धूप लग चुका है आज तीसरा दिन है और इसमें चूना राख वगैरह डाल दिए थे हस्बैंड और धूप अच्छे से पलटा के एक बार दिखा दिए थे तो आज इसमें गोबर का खाद मिलाएंगे। और और एक बार अच्छे से आज का धूप लग जाएगा फिर शाम को ये सारे कंटेनर हम भरेंगे ये जो एक साइड में रखा गया है और इसको साइज से रखना है उसके बाद बाकी जो वेजिटेबल है विंटर का वो लगाएंगे और काफ़ी सारे गार्डन का काम पड़ा है ये देखिए जो भी किचन का वेस्ट निकलता है हम फेंकते नहीं हैं ऐसे ही उसको रख देते हैं काफ़ी मतलब बढ़िया चलता है ये नीचे कंपोस्ट बनता रहता है और ऊपर सब्जियां भी मिलती रहती है और ये मैं फूलगोभी गोभी का पौधे बाद में लगाई थी और इधर इस साइड में ये पत्ता गोभी है ये वो एक साथ लगा था और ये देखिए कितना हेल्दी ग्रोथ है काफ़ी बढ़िया चल रहा है अभी तक कोई गोडाई वगैरह कुछ नहीं किया है बस मैं जो किचन कंपोस्ट और गोबर का खाद हस्बैंड बनाए थे मिट्टी और भरे थे उसी में सिर्फ लगा दिया है और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पौध भी है और ये वाला भी देखिए ये भी अभी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ ले लिया है ये भी पत्ता गोभी है और साइड साइड में जो दिख रहा है आपको ये साग है एक बार तो सब्जी बन जाएगा इसलिए मैं छोड़ छोड़ के रखी हूँ एक बार इसको उखाड़ लूँगी ये साफ़ भी हो जाएगा और हमें अच्छा हेल्दी साग भी मिल जाएगा खाने के लिए और इस साइड में जो एक्स्ट्रा पौध है वो मिट्टी में ऐसे दबा के रख दिया था मैं उस दिन भी आपको बताई थी कि जो भी एक्स्ट्रा पौध आपको एक्स्ट्रा हो जाए वो ऐसे ही एक जगह पर ऐसे ही मिट्टी में दबा के रख दीजिए और आप आराम से ऐसे ही दबा के एक जगह मिट्टी में रख देना और वो जब आपको कंटेनर खाली मिले मैं अभी आज अगर कंटेनर भर गया फिर आज शाम को इनको उखाड़ के लगा दूँगी और ये काफ़ी बढ़िया चलेंगे और ये देखिए मेरे पत्ता को भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं धीरे धीरे बढ़िया ग्रोथ ले रहे हैं और ये वाला भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है ऐसे ही करके आप गार्डनिंग कर सकते हो और इधर मेरी शिमला मिर्च का पौधा देखिए कुछ उखड़ के लगाई थी और बाकी तो है बहुत सारे पौधा भी है और ये बैंगन का भी थोड़ा सा स्प्रे वगैरह करना पड़ेगा और थोड़ा किचन कंपोस्ट वगैरह डालना पड़ेगा तभी जाके इसका ग्रोथ और अच्छे से आएगा और इधर गेंदा जो पाँच के जी का वो आटा के पैकेट में लगाया था वो काफ़ी बढ़िया चल रहा है और इसका थोड़ा ऊपर का क्रोनिंग करना पड़ेगा तभी जाके ये और बूसी और घना होगा और काफ़ी ज़्यादा फूल मिलेगा ऐसे करने से ये एक ट्रिक है जो गेंदा लगाओ तो उसको बूसी करने के लिए ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा रहता है इसको पिंच कर दो फिर आपको और बढ़िया ग्रोथ मिलेगा काफ़ी बढ़िया ग्रोथ मिलेगा ये ऐसे ही मैं हर साल कर देती हूँ और तभी जाके ये घना और बहुत ज़्यादा फूल देता है और काफ़ी टाइम चलता है ये कम से कम आ, मार्च अप्रैल तक तो फूल मिलता रहता है और ऐसे ही पिंचिंग करना पड़ता है तभी जाके ये बूसी होगा और काफ़ी बढ़िया चलेगा और यहाँ पर भी फूलगोभी लगा था पौधा ये भी साथ में एक तुलसी भी है इसको भी उखड़ के एक जग कंटेनर में लगाना है और ये पिलर अभी डालने वाले हैं तो इसलिए थोड़ा आ, कोई ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसको साइज करना पड़ेगा तभी जाके और अच्छे से गार्डनिंग हो पाएगा और ये देखिए ये छांट लिया थे हम घास वगैरह सब कुछ निकाल दी थी तो शिमला मिर्च का पौध लगाने के बाद और इतना हेल्दी शिमला मिर्च बचा है और हस्बैंड ये टीन लाए हैं ये ऑयल कैन है और ये कुछ पौधा ट्रांसप्लांट किए हैं जैसे ये हो गया इलायची का ग्रीन वाला इलायची का पौधा है ये नर्सरी से लाए थे और एक छोटा सा पैकेट में लेके आई थी और अभी ये दो हिस्से में बांट दिए हैं और दो टीन में हस्बैंड लगा दिए हैं और इधर कुछ टीन है और भी तो ये अभी मिट्टी नहीं भरा है वो मिट्टी रेडी हो जाएगा तो इनमें भरना है और भर के इसमें जो भी गमला टूटा हुआ है उन सब को चेंज करना है और चेंज करके इसमें न्यू टिन में लगाएंगे इसमें एक साल डेढ़ साल तक तो काफ़ी अच्छे से चल जाता है और काफ़ी इजीली मार्केट से अवेलेबल है कहीं से भी होटल वगैरह में वो ऑयल टीन लेके ये फेंक देते हैं तो उनसे आप खरीद लीजिए और ऐसे लगा सकते हो और इधर वाला ये जो परवल का है ये भी एक साल हो गया पूरा अभी इसको भी चेंज करना है कंटेनर आ, मिट्टी वगैरह न्यू कंटेनर करके इसको जड़ के जड़ से उखड़ के दोबारा से दूसरा वाला कंटेनर में लगाना है तभी जाके इसमें हमें हार्वेस्टिंग मिलेगा ये मिट्टी में कोई और ग्रोथ नहीं रहा मतलब एनर्जी इतना नहीं रहा ये परवल का पौधा देखिए कितना पीला पीला पड़ रहा है तो इसका ये रीज़न है कि मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी है और ये मिट्टी को पलटाना पड़ेगा फिर न्यू कंटेनर भर के उसमें खाद वाद डाल के सब कुछ लकड़ी का राख चूना वगैरह डाल के अच्छा मिट्टी तैयार करके फिर हम लगा सकते हैं और इस उससे हमें बहुत ही बढ़िया हार्वेस्टिंग मिलेगा और ये पूरा तैयारी चल रहा है गार्डन का और मिट्टी देखिए अभी इसका ऊपर गोबर का खाद नीचे सुखाने के लिए रखा गया है और बोला के डाल रहे हैं आज एक लेबर किया है काम करने के लिए तो हम मैं हर टाइम लेबर नहीं करते बहुत सारे काम हम खुद करते हैं जो नहीं हो पाता है और जब ज़्यादा काम रहता है तभी लेबर करते हैं अभी फिलहाल बोला के इसमें गोबर का खाद डाल देगी फिर मिट्टी को एक दो बार पलटा पलटा देगी आज का धूप पूरा लग जाएगा फिर इस मिट्टी को भर के हम पौधा लगाएंगे और ये चार पाँच महीना छः महीना तक आराम से ये मिट्टी चलता रहेगा तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में बाय